हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैथ के यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का एक सबसे बड़ा फैसला ओबीसी और एससी वर्ग का बढ़ा हुआ आरक्षण नामंजूर। जैसे कि आपको पता ही होगा कि 2019 में एक अध्यादेश के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक अध्यादेश जारी कर आरक्षण को बढ़ा दिया गया था। आरक्षण कैसे बढ़ा था बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 4 सितंबर 2019 को सरकार की ओर से जारी अध्यादेश को 13 सितंबर को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। वहीं 4 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने 82% आरक्षण मामले में स्टे दे दिया था। वहीं 27 फरवरी 2020 को अंतिम फैसला दिया गया। मामला ये था कि एससी का जो आरक्षण था 2012 में वो 12% था, जिसे कि अभी 2019 में 1% बढ़ाकर 13% किया गया था। ओबीसी का 14 से सीधे डायरेक्ट 27% आरक्षण बढ़ा दिया गया था। कुल मिलाकर इस तरह से 82% आरक्षण अध्यादेश के द्वारा आया था। लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद ही इस पर हाईकोर्ट में मामला चला और स्टे लग गया था इस आरक्षण पर। और 10% जो था, एक भी बता देना, 10% जो सामान्य, जो केंद्र सरकार के गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया गया था, वो भी लागू कर दिया गया था। इस प्रकार कुल आरक्षण जो है 82% पहुंच गया था, जिससे अब उस समय स्टे लग गया था। और आप ये जो आप देख रहे हैं 27 फरवरी 2020 को अंतिम फैसला दे दिया गया है। मतलब ये है कि आरक्षण संशोधन अध्यादेश को विधेयक नहीं बना पाई सरकार, अदालत ने बना मजबूत आधार, और यही आधार बना जिससे कि अदालत ने अपना फैसला दिया है। अभी वर्तमान में सिर्फ 58% आरक्षण ही लागू है, ठीक है। और जो भी मामला है अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए बढ़ाए गए आरक्षण को नामंजूर कर दिया है। इस फैसले के बाद प्रदेश में 58% सीटें ही आरक्षित रह गई है। राज्य सरकार ने अक्टूबर 2019 में अध्यादेश जारी कर इसे 82% कर दिया था। इस अध्यादेश से ओबीसी के आरक्षण का दायरा 14% से बढ़कर 27% और अनुसूचित जाति का 12 से बढ़कर 13% कर दिया गया था। वहीं संसद ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण दिया था, उसे भी लागू किया गया था। आदित्य तिवारी और कुणाल शुक्ला ने इसको चुनौती दी थी। लगातार 2 दिनों तक चली सुनवाई के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश पी रामचंद्र मेमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को इस मामले में फैसला सुना दिया। अधिवक्ताओं ने बताया, विधानसभा का सत्र प्रचलन में नहीं रहने की स्थिति में अध्यादेश के जरिए कोई कानून लागू किया जाता है, यह केवल 6 सप्ताह के लिए होता है। इसके भीतर विधानसभा से इसे पारित कराना जरूरी होता है। तो इस पर आप देखिए, जो भी होगा, सरकार अभी इस पर यहाँ पर न्यायालय के फैसले का अध्ययन करेगा, उसके बाद ही सरकार कोई निर्णय लेगी कि क्या होना है इस पर, ठीक है। आरक्षण के समर्थन में सरकार के तर्क, मतलब सरकार के जो समर्थन था वो क्या कह रहे थे। सरकार की दलील थी कि प्रदेश में ओबीसी की संख्या ज़्यादा है और यह वर्ग सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता के वकील की ओर से यह कहा गया कि सरकार को ये बात कैसे पता है, जनगणना में तो ओबीसी की संख्या आती ही नहीं है। राज्य सरकार ने NSSO का आंकड़ा पेश किया, अदालत ने इसको स्वीकार नहीं किया। सरकार ने ओबीसी की स्थिति जानने के लिए एक आयोग भी बनाया, लेकिन इस पर कुछ काम नहीं हुआ, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हो रही है। तो जो भी हो भाई, सरकार का फैसला, कोर्ट का फैसला तो उसका सम्मान है, ठीक है। 58% पर भी आपत्ति, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पलाश तिवारी ने बताया कि अदालत में इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसले के अनुसार आरक्षण की सीमा 50% तक सीमित रखने की मांग की गई थी। अदालत की ओर से कहा गया, 58% आरक्षण के खिलाफ पहले से ही याचिकाएं लगी हुई है, सुनवाई चल रही है, यदि आप चाहें तो इसमें शामिल हो सकते हैं। तो जो भी है आरक्षण को लेकर, समय समय पर चाहे केंद्र गवर्नमेंट की बात करें या फिर अन्य राज्य सरकारों की बात करें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई केस चलते ही रहता है, ठीक है। तो फिलहाल ये 58% पर भी अभी चल रहा है मामला, और इस पर क्या फैसला आएगा अंतिम, इस पर देखना होगा, ठीक है। तो फिलहाल ये जो 82% वाला है ये तो फिलहाल ये ख़त्म हो गया है, अभी 58% ही लागू है और इसी के अनुसार ही वैकेंसी वगैरह जनरेट हो रही है, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह की और नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपनी स्टडी जारी रखें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और हाँ, अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का घंटा जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो डाला जाए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए।